आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 9 महीने बाद पटना आ रहे हैं। लालू दिल्ली से पटना के लिए निकल चुके हैं। दोपहर लगभग 3 बजे वो अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पटना पहुंच रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। उनके पटना आने को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खुश हैं, लोग खुश नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत में पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है साहिब का स्वागत है। बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की थी। ऑपरेशन के बाद दिल्ली लौटने पर वो अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के यहाँ रह रहे थे। फिलहाल वह पटना में ही रहेंगे। हालांकि चेकअप के लिए सिंगापुर या दिल्ली आना जाना उनका हमेशा दिल लगा रहेगा। आपको बताने चले, पटना अगर लालू पार्टी की नई कमेटी से मिलेंगे। पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को रोकने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है। इससे जुड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक में संभावित है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। में भी लालू प्रसाद के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप सभी को बता दें, आज लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं। वो 3 बजे पटना पहुंचेंगे, दिल्ली से निकल चुके हैं। लालू प्रसाद को महागठबंधन और आरजेडी के अंदर की इन गुत्थियों को निपटाना है। आरजेडी के समर्थकों को सबसे अधिक इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी कब सौंपते हैं। लालू प्रसाद भी तेजस्वी को इस कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। बदले में नीतीश को पीएम बनाने की मुहिम के दमदार चेहरा है। किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राहुल प्रसाद को विशेष परहेज में रहना है। उन्हें लोगों से एक निश्चित दूरी से मिलना है, एक दूरी बनाए रखना है, एक दूरी उनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। खास तौर से वे ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है जिन्हें सर्दी खांसी है। इससे किडनी मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। बॉडी दूसरे के शरीर की किडनी को एडजस्ट करने में समय लेती है। इम्यूनोसफ्रेसिव मेडिसिन चलती है। आजकल का कोविड साइलेंट कोविड है, इसलिए शीशे के अंदर ही से बात करते हैं तो अच्छा रहेगा। आपको बता दें चले, आज लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।